भागे पड़े हैं सब लोग। तो ये है जिया जी का ऑफिस, SDM सहारनपुर। ये है जिया जी की टेबल। अब चलते हैं रूम में जहाँ लेडीज लोग बैठी हुई हैं। गाइस, हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आराम, उसके बाद चलते हैं, बढ़ेंगे आगे और कोशिश करते हैं कि आज हरिद्वार भी हम लोग विजिट कर लिया जाए। और ये है एक छोटा सा लॉन हरदुमा बना रखा है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ करके। वाओ, यहाँ पे अगर सुबह सुबह चाय मिल जाए और उसके आनंद ही एक अलग रहेगा। तो फुल खातिरदारी हो रही है हम लोगों की और खाना रेडी हो चुका है। यहाँ पे गाइस हम लोग हो रहा लंच, ठीक है, सरकारी आवास है। जिया जी कहाँ है अभी, ऑफिस में ही है? तहसील में। धरना प्रदर्शन हो रहा है ना किसानों का। खाना खा के तो मज़ा आ गया, बहुत ही स्वाद था खाने में। तो डब्बू कैसा लग रहा है यहाँ पर? How was the feeling? Good. दिल्ली से निकलने के बाद हर जगह दिल्ली के बाद सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो निकलते निकलते हम लोग को बच गया था 8:30 और यहाँ पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लगी गए, 11:30 तक हम लोग पहुँचे यहाँ पर। तो गाइस अपना हरिद्वार का पास बन चुका है। A few moments later. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त बेहट और ये रहा गेट शाकुंभरी देवी मंदिर जाने का। तो हम लोग चल रहे हैं इधर आगे। शुरू हो गई है, वाओ, ये मेन द्वार में हम लोग एंटर करते हुए यहाँ से। प्रवेश द्वार यहीं पर है। अच्छा, यही मंदिर ही है? नहीं, अच्छा, ओके। और आज हम लोग आए हैं शाकुंभरी देवी जी का दर्शन करने के लिए। सहारनपुर से कम 40-45 किलोमीटर आगे पड़ता है और बहुत ही फेमस मंदिर है। इधर शिवालिक की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम पहाड़ों का फील हम ले रहे हैं यहाँ पर। और अभी चलेंगे हरिद्वार भी। आप देखो मेरे पीछे ये नज़ारा, वाओ। अच्छा, ये नदी आप कह रही थी? नदी देखो पानी है ना धारे। हाँ, अरे वाह, यहाँ तो फोटो वोटो खिंचवाने लायक। गाइस हम लोग जा रहे हैं नदी में गाड़ी लेके। ये ओ भाई, कई पहाड़ी नदी है। यो बंदर लोग, इस नदी को पार करके फिर दर्शन करने जाया जाता है यहाँ पर। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। Oh my God, वो देखिए गाइस, ओ भाई, ओए, हम जय भी बार आते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन नदी। एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मजा आ गया। मैं तो फर्स्ट टाइम नदी में गाड़ी चला रहा हूँ यार। मंदिर अभी मेरे ख्याल से वहाँ ऊपर कहीं पर है, तो अभी चलते हैं और व्यू देखो गाइस, वाओ, इज जस्ट वाओ।
और देख सकते हैं गाइस इधर शॉप्स वगैरह है प्रसाद लेने के लिए। तो जैसा कि मंदिरों के पहले होता है तो सारा वैसे ही बना हुआ है, मतलब आना वर्थ हुआ यार। कहीं आप जाओ और आपको अच्छी फीलिंग आए, पॉजिटिव फीलिंग आए, तो उसकी बात ही अलग होती है। ना भीड़ भाड़, ना कोई कचट, ना कोई चक, ना पक, आराम से आइए दर्शन करिए। तो यहाँ से जो है एंट्री होती है मंदिर की और हम चलना अंदर। तो गाइस अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, उससे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांत इलाका, कोई भीड़ भाड़, कोई शोर शराबा नहीं यहाँ पर। और व्यू देखो यार, मतलब व्यू देखने में ही मज़ा आ रहा है। व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, ये देखो आप, बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में, वाह भाई वाह। तो दर्शन हो गए बड़े अच्छे से और अब हम चल रहे हैं नीचे। भाई हनुमान जी लोग बैठे हैं अगल बगल, तो थोड़ा सा बच्चे चलना पड़ेगा, ऐसा ना हो कहीं हमला बोल दें हमारे ऊपर। धीरे धीरे बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और भैया बताने जल्दी निकलिए, क्योंकि अगर पानी का बहाव तेज हो जाएगा तो फिर गाड़ी नहीं निकल पाएगी यहाँ से। तो हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट निकलें। तो गाइस ये हैं यमुना जी, और पानी देखिए गाइस कितना क्लीन एंड क्लियर है। बस थोड़ा ही पैर धुल लो, पैर साफ हो जाए। और तुम्हें कैसा लग रहा है? हम लोग को अगर रुकना होता है यहाँ पे, चलो तो बता। मज़ा आ गया यहाँ पर आ करके और मज़ा आ गया दर्शन करके भी, वाह। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तो मैंने कभी लिया ही नहीं यार। तो यहाँ हम लोग मछलियों को दाना डालने के लिए आए हैं। कहाँ है मछली? पानी आ गया, चलो चलो भागो भागो, पानी बरसने लगा, भागो। A few moments later. Thank you.